हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? जो हम टेस्ट सी चला रहे हैं उसके अंदर जो बच्चे सॉल्यूशन भेजते हैं वो बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं, जिससे कि उसमें देखने में परेशानी होती है। तो कोशिश करिए बच्चों, जो तुम टेस्ट यहाँ पे भेजते हो उसका सॉल्यूशन भेजते हो तो सब थोड़ा बड़ा करके लिखे। और मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जिसका सॉल्यूशन थोड़ा सा साफ लिखा हुआ है उसको ही मैं अपलोड करूँ। तो कोशिश करनी है तुम्हें बच्चों कि उन क्वेश्चनों को जो है साफ साफ लिखकर और बड़े बड़े लिखकर जो है, ठीक है, उन्हें भेजने की कोशिश करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए, टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ना ना ना, इसका मतलब केवल इतना सा है कि यदि तुम इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो तुम्हें चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन किताब के नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनमें चेंज थोड़ा सा होता है, तो चेंज करने की कोशिश करो जिससे कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ जाए कि चैप्टर में है क्या। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल नकल उतार देते हैं वो किताब के ही, वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, अब बस देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का है, ठाकर बिल्कुल किताब का बुक का वो उतार दिया जो है, वो गलत बात है। क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करिए, पहले फॉर्मूले जितने भी हैं सारे फॉर्मूले अपना रट घेरिए हर चैप्टर का जो है, और उन फॉर्मूलों को देख कर क्वेश्चन करने की फिर कोशिश करिए, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन ज्यादातर जब क्वेश्चन करते हैं बार बार जो है तो अपने आप ही फॉर्मूले रट जाते हैं, तो ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो मैंने तुम्हें टेस्ट नंबर 2 भेजा था उसका जो मैंने सॉल्यूशन है वो मैंने अभी मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि भी जितना जो भी बच्चे ने सॉल्यूशन भेजा है वो तुम्हें दिखाया जाए, मैं अपने आप सॉल्यूशन नहीं करता उनको जो है, तो बच्चे के द्वारा किए हुए सॉल्यूशन तुम्हारे साथ में भेजूंगा, ठीक है। अब और कोशिश करिए, जितने ज्यादा ज्यादा बच्चे कर सकते हैं सॉल्यूशन ना करिए, तो तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी अपने आप ही जो है, ठीक है बच्चों। अब चलो स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो बच्चों, देखिए ये हमने जो सॉल्यूशन है बच्चों के द्वारा भेजे हुए वो सब तुम्हारे सामने रखूंगा मैं अब यहाँ पर। जरा क्वेश्चन नंबर ये 1 है हमारा, इस क्वेश्चन नंबर 1 को चेक करिए थोड़ा सा जो है। मैं देखो लिखने में राइटिंग में हो सकता है प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं थोड़ा धीरे धीमे धीमे ऊपर नीचे कर देता हूँ, तुम अपना फिर इसका जब फोटो खींचना है फोटो खींच लीजिए, वो मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। और इन्हें चेक जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन वो काफी कम बच्चों ने किया है, सेकंड वाला जो है, इसे ठीक से देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर कोड ऑफ कर्वेचर पूछी गई थी, और कॉर्ड ऑफ कर्वेचर वो निकालनी थी जो पोल से होकर जाए, ये आखिरी की एक्सरसाइजों के अंदर है, तो वो जरूर करना जो है, कभी पूछ बैठे वो, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन वहां से दिया था ये। देखो बच्चों प्रैक्टिस जरूर करनी है, बिना प्रैक्टिस के काम नहीं चलता है, प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अब तुम ये सब बुक में देख देख के ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल सेम वही चेंज कर दीजिए तो कोई फायदा नहीं है, ये तो केवल इसलिए दिए गए हैं तुम बिना देखे ही करो उनको जो है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया है मैंने, जो बच्चे समझ गए उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है, बिना बुक में देखे ही सही कर दिया उन्होंने ये। वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और उसमें ही चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं वे, ये गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 5 बुक का ही क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 6 7
तो ये पीडीएफ भेजा गया था मुझे जो है, गुड़िया ने पीडीएफ भेजा था, ये मैंने पीडीएफ ही भेज दिया तो मैं लोगों को जो है, ठीक है, और बच्चों ने भी बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा साफ सा लगा है इसलिए मैंने इसको भेज दिया जो है। तो कोशिश करना है साफ सा लिख कर भेजिए इनको जो सोल्यूशनों को जो है। अब प्रैक्टिस करिए बच्चों, तभी तुम्हारा फायदा होगा जो है, घर बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला लगा, इन्हें करिए अच्छी तरह से जो है। घर में बैठे हो तो ठीक बैठा है, लेकिन प्रैक्टिस तो करो थोड़ी सी, जिससे कि रिजल्ट अच्छा आए। ठीक बच्चों, अब मैं टेस्ट भेजूंगा अगला थर्ड जो है, कुछ दिन के बाद में उसे करना जो है। ठीक, थैंक यू।